ये है एक चिंदी चोर जो कि चम्मच के मदद से साइकिल के टायर को निकाल के बेच देता है, और आज ये सोच रहा है कि कौन से साइकिल के टायर को निकाल के बेचा जाए। तभी इसे एक साइकिल दिखती है। आज मैं चुराऊंगा उस साइकिल का टायर, वो भी इससे। चलो चलते हैं यार, अब चोरी करूंगा इस साइकिल का टायर, वो भी इससे। ये अब जल्दी से इसे चोरी कर लेता हूँ निकाल के इस चम्मच की मदद से। अरे भाई ये साइकिल क्यों गिर रही है? चिंदी हो जा। एक मिनट, मैं तो ये साइकिल भी नहीं बेच सकता हूँ चुरा के। खैर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ ये टायर बेचना है। यार ये निकलता क्यों नहीं भाई? कोई बात नहीं, थोड़ा देर लगेगा। यार एक तो मुझे अभी कहीं जाना था और ऊपर से अभी मेरी साइकिल भी नहीं मिल रही। यार अब क्या करूं, अभी जाने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं साइकिल के अलावा। भाई क्या करूं क्या करूं, वो क्या कर रहा है वहां पे मेरी साइकिल? रुक बेटे अभी तुझे बताता हूँ। अरे क्या हुआ भाई? तो क्या कर रहा है तू मेरे साइकिल के साथ? यहाँ साइकिल चोरी कर रहा था भाई। भाई अच्छा साइकिल मतलब तुम्हारे साइकिल की टायर, टायर सॉरी, साइकिल नहीं, साइकिल। दिखा तो किससे खोल रहा है मेरी साइकिल के टायर को? अच्छा हाँ ये लो, इसी से चोरी कर रहा था भाई, निकाल। बेटे इससे इससे तेरी साइकिल खुलेगी इससे? हाँ भाई वो यूट्यूब पे तो बताते हैं भाई, चम्मच से ही निकल जाता है। यार मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे जाने दो यार। भाई अब से टायर नहीं निकालूंगा भाई, टायर नहीं निकालूंगा, सॉरी। तुझे नहीं पता कैसे खोलनी है साइकिल के टायर को? हाँ यार मुझे नहीं पता यार कैसे निकालते यार इसका टायर, तुम ही बता दो। अच्छा ठीक है चल मैं तुझे बताता हूँ कैसे खोलते हैं। और गाइज अगर आपको भी जानना है कि कैसे साइकिल के टायर को खोलना है, मतलब रिंग में से उसके टायर को निकालना है, तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना। चलो भाई माफ कर दो यार, मारना मत लेकिन। तो गाइज मजाक बहुत ही ज्यादा हो गया अभी वीडियो के स्टार्टिंग से ही, तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पर जल्दी से आते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने साइकिल के टायर को निकाल सकते हो, मतलब साइकिल के रिम में से अपने टायर को निकाल सकते हो बहुत ही इजिली। और गाइज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो गाइज इस वीडियो को जरूर से एंड तक वॉच करना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियोज आप लोग देखते रहो मेरे चैनल पर। और गाइज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना जो मैंने स्टार्टिंग में जो क्लिप दिखाई थी आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ गाइज एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे चैनल पे 20 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, जिससे गाइज मुझे दिल से बहुत ही ज़्यादा खुशी। और गाइज ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना और 20 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो गए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अरे भाई सुना कि तू रो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने घर से आया अभी। हाँ भाई क्या करूँ यार। हाँ कोई बात नहीं गाइज, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं ले आया एक ब्रांड न्यू साइकिल का व्हील जिसमें से अब हम लोग टायर को निकालेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा नया है, आप लोग देख सकते हो एकदम चमक रहा है। गाइज मजाक बहुत ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा पुराना है लेकिन अब हम लोग क्या, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा गाइज। तो अभी हम लोग देखते हैं हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है। सो गाइज हमें सबसे ज़रूरी जो टूल है हमारा वो है ये। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सो गाइज हम लोग इसी से निकालेंगे। हाँ लेकिन गाइज आप लोगों को इस तरह के चम्मच का यूज़ नहीं करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, आप लोगों को ये ऐसा ही एकदम सेम यही चम्मच का यूज़ करना है, इसी से निकलेगा। और आपको बिल्कुल सेम यही चम्मच का यूज़ करना है क्योंकि गाइस इसी से हो सकता है। और आप लोग चाहो तो इस टाइप का मजबूत चम्मच ले सकते हो कोई और भी, लेकिन मैं तो कहूँगा गाइस अगर ऐसा चम्मच है आपके पास तो बहुत अच्छा। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइज आप लोगों को सबसे पहले टायर का हवा निकालना है, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया ऑलरेडी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेल्व वगैरह है, और यहाँ पे मैंने पहले ही इसे निकाल लिया है क्योंकि गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आप लोगों को सबसे पहले इसे ऐसे करना है पीछे की तरफ, और यहाँ पे जब आपको टायर ऐसे यहाँ पे दिखने लगे तो इसमें आप लोगों को ये फंसाना है चम्मच और ऐसे बाहर निकाल देना है। फिर उसके बाद गाइज इसको ऐसे दबाते हुए आप लोगों को दूसरा चम्मच यहाँ लगाना है, और ये वाला चम्मच को ऐसे पकड़ के
ये वाले चम्मच पे आप लोगों को गैस स्ट्राइक करना है इससे, या फिर आप किसी और भी हैवी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, प्लाय वगैरह का भी। तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे इसे मारेंगे। और हाँ गैस, अगर आप में ज़्यादा ताकत है तो आप लोग हाथ से भी इसे ऐसे करके कर सकते हो, आप लोग हाथ से भी इसे ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन गाइज अभी ठंड का वक्त चल रहा है और ये टायर अभी हल्का सा फ्रीजिंग मोड पे है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये थोड़ा हार्ड हो गया ठंड के वजह से रबर का टायर, इसी वजह से हमें ऐसे ही करना होगा। अगर आप लोग गर्मी में कर रहे हो गाइज तो ये आराम से हो जाएगा, लेकिन अभी मैं ठंड में इसे कर रहा हूँ तो गाइज ये सब करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजिली निकल रहा है इसे। और इतना निकल चुका है गाइज, और बहुत ही इजीली निकल रहा है, इसमें कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही, हल्का हल्का ही मैं स्ट्राइक दे रहा हूँ और ये निकल रहा है। ये ठंड के वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है इसे निकालने में। और गाइज अगर इधर से ज़्यादा हार्ड होने लगे तो आप लोग इधर से भी कोशिश कर सकते हो। तो अभी मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ मारना इसे। अब ये बहुत ही ईजिली निकल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा अभी ईजिली निकल रहा है, क्योंकि ये इतना निकल चुका है तो अब ईजिली निकलेगा, देख सकते हो गाइस, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैं हल्का सा स्ट्राइक दे रहा हूँ और ये निकल रहा है। अब मैं शायद हाथ से भी कर सकता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये हमारा टायर निकल चुका है गाइस बहुत ही ज़्यादा आसानी से, यहाँ से निकल चुका है। पहले आप लोगों को यहाँ पे गाइस इस ट्यूब को निकालना होगा, सो गाइस ये ट्यूब अब मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। आपको इसे अंदर इसे ढकेलने के बाद ऐसे करके गाइस आप लोग इसका ट्यूब बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल लेता हूँ। और हाँ गाइज़ आप लोगों को एक और बात का ध्यान रखना है कि इसे करते वक्त गाइज़ ये कटे ना, मतलब ये फटे ना, हालांकि नहीं फटेगा गाइज, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसके एजेस साफ नहीं है और ये उतना आसानी से फटता भी नहीं। तो अभी हमारा हो चुका है, अब गाइज़ हमें अब ये वाला हिस्सा निकालना है इसमें से। तो अब यहाँ पर भी हम लोग एक चम्मच लेंगे और चम्मच लेके गाइज़ इस साइड ढकेलेंगे और फिर दूसरा चम्मच लेके, ये रहा मेरा दूसरा चम्मच, और फिर इसे ऐसे घुमा देंगे गाइस। और ये हमारा टायर बिल्कुल इजीली निकल चुका है, तो अभी मैं रिम को साइड में रख देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारा टायर बाहर आ चुका है, और अगर आप लोग चाहते हो कि अब मैं इसे लगाना भी सिखाऊं, वैसे ये जरूरी नहीं है आप लोग लगा भी लोगे तो गाइस ज़रूर से मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे पता है गाइज़ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग खुद ही कर लोगे, लेकिन गाइज़ अगर फिर भी आप लोगों को जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइज। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अगर गाइज सच में अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, और गाइज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर गाइज़ आप लोगों को मेरे वीडियोज़ से कुछ नया सीखने को मिल रहा है गाइज़, मतलब मेरी पिछली वीडियोज़ और ये वाली वीडियोज़ से कुछ सीखने को मिला है गाइज आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस डालने वाला हूँ अब अपने इस चैनल पे। और मेरे चैनल पे तो गाइज 20 सब्सक्राइबर्स हो ही गए हैं, जल्दी ही 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं मेरे चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार जल्दी भागो। अबे रुक।